नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इसराइल को ग्राउंड ऑपरेशन में तगड़ा और करारा झटका लगा है। हिजबुल्ला का ऐसा दावा है कि उसे भारी नुकसान हुआ है, सैनिक काफी उसके मारे गए हैं। इसके अलावा आज जो हम बातचीत करेंगे वो ये भी करेंगे कि ईरान के परमाणु संयंत्र में आग लगी, ये आग कैसे लगी, क्या किसी ने जानबूझकर लगाई, ये कोई हमला था या फिर हादसा था, इसकी इनसाइट स्टोरी पर भी बातचीत करेंगे। और इस पर मेरे साथ बातचीत के लिए मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, सबसे पहले तो ये बताइए कि हिजबुल्ला लगातार दावे कर रहा है कि इसराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन तो हो रहा है, लेकिन नुकसान भी इसराइल को भारी उठाना पड़ रहा है क्योंकि इनके तरफ से भी लगातार प्रहार किया जा रहा है, जिसमें इसराइल की सेना को भारी भरकम नुकसान हुआ। देखिए, हिजबुल्ला की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक जो ग्राउंड ऑपरेशन इसराइल कर रहा है लेबनान में, उस ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक करीब 70 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है, 600 से ज्यादा सैनिक घायल हैं, और जो बड़ी बात है वो कि 28 मरकावा टैंक इसराइल के वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये दावा हिजबुल्ला की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, इसराइल की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से स्ट्राइक्स हो रही हैं, F-35 प्लेन्स जो हैं वो लगातार लेबनान में और पर्टिकुलर जो साउथ लेबनान है वहां पे लगातार बमबारी कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसमें जो हिजबुल्ला का दावा है उनके मुताबिक 28 मरकावा टैंक्स, देखिए जब भी ग्राउंड ऑपरेशन होता है उसमें मरकावा टैंक्स की अहम भूमिका होती है, इसराइल के जो टैंक्स हैं, तो हिजबुल्ला का दावा है कि 28 मरकावा टैंक्स जो है वो हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं उन्होंने तबाह कर दिए, और साथ ही 70 से ज्यादा इसराइली सैनिकों की मौत हो चुकी है। देखिए, ये बड़ा आंकड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और देखिए, हिजबुल्ला ने पहले ही कहा था कि अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन करते हो तो उसका जवाब भी हम मुंह तोड़ देंगे और घुसेंगे, तो आपको हमने नीलू याद होगा आपको, हमने इसी मुद्दे पे पहले चर्चा भी की थी कि ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी किसी भी देश पे दूसरे देश में जाके करना आसान नहीं होता। अच्छा, दूसरी तरफ इसी को लेके जो है खामेनेई की तरफ से एक और बयान आया है जिन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से हिजबुल्ला के साथ खड़े हुए हैं और हिजबुल्ला जो है वो लेबनान का रक्षक है। तो देखिए, यहाँ पे ईरान ने भी अपने इंटेंशन साफ कर दिए हैं कि जो हिजबुल्ला को अभी भी हिजबुल्ला जो इसराइल पे हमले कर रहा है, ये बात तो साफ है कि ईरान की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी जो रॉकेट्स गिर रहे हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहा है हिजबुल्ला, इतना नुकसान होने के बाद भी वो ईरान और इसकी तरफ से जा रहा है। अब जो दूसरी बात आपने करी जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कल देखिए, कल दोपहर को करीब ये खबर आई थी कि ईरान का जो परमाणु प्लांट है, खरास परमाणु प्लांट है, इसमें से अचानक धुआं निकलने लगा, इसमें आग की लपटें दिखाई देने लगी और ये चर्चा छिड़ गई पूरे सोशल मीडिया पे कि इस परमाणु प्लांट में क्या किसी तरह का हमला हुआ है। बहुत देर तक इस बारे में कोई दावा नहीं किया गया कि ये भी बात सामने नहीं आई कि ये किसी तरह का हादसा था या इस पे कोई हमला किया गया था, लेकिन देखिए वहां से जो धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया उससे ये बात तो साफ थी कि ये बड़ा हादसा था जो भी था। इसके बाद वहां पे क्या हालात हैं इसको लेके कोई डिटेल और पुख्ता जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात तो तय है नीलू, देखिए ये जो है इसको लेके इस तरह की चर्चाएं हैं कि किसी तरह का सबोटाज भी हो सकता है। देखिए, पहले भी हमने एक चर्चा की थी, देखिए टारगेट तो लगातार ईरान के परमाणु संयंत्र उनके प्रोग्राम बिल्कुल रहे हैं पीछे, और बार बार इसको लेकर चिंता भी जताई गई है। मैं देखिए, कल ही जो है वो नेतन्याहू की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि भाई ईरान पे तो हमला होके रहेगा। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि देखिए इसराइल पे, हमारे घर पे ईरान ने हमला किया है तो हम बदला लेंगे, और वैसे ही कल योव गैलेंट जो रक्षा मंत्री हैं इसराइल के, वो एक एयरबेस पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की, और जो सोर्सेस से खबरें आ रही हैं कि इसराइल की तरफ से ये जो डिले हुआ, इसराइल एक बड़ी वॉर प्रैक्टिस कर रहा था, वॉर ड्रिल कर रहा था कि ईरान पे कैसे हमला करना है। कल योव गैलेंट की तरफ से कहा गया कि भाई ये जो हमारी तैयारी थी अब ये पूरी हो गई है, बल्कि ऐसी भी खबरें हैं कि एक पूरा फॉर्मेशन तैयार किया गया है, तैयार किया गया है कि इसराइल अब कैसे हमला करेगा। उसमें बताया जाता है कि जो इसराइल की तरफ से जो प्लान तैयार है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो बताया जा रहा है कि इसराइल की तरफ से जो है वो एक सबसे पहले जो एयर स्ट्राइक होगी, जिसमें F-35 प्लेन्स, F-15, F-16 एक प्लेन्स का फॉर्मेशन होगा जो ईरान में एंटर कर सकता है, और ये अगले कुछ दिनों के अंदर ये हो सकता है। अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका में चुनाव हो उसके बाद ये अटैक हो, लेकिन कल नेतन्याहू का बयान, फिर उसके बाद योव गैलेंट का बयान,
अब ये ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है। तो देखिए एक एक इस तरह की चर्चाएं हैं कि किस तरह से अमेरिका मतलब एक रणनीति बना ली गई है कि ईरान पर किस तरह से पहले एयर डिफेंस से हमला होगा, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। किस तरह से जमीनी हमला होगा, ये सारी चीजें एक रणनीति के तौर पर तैयार। और मयंक ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो युद्धाभ्यास चल रहा था वो शायद खत्म हो गया। बिल्कुल, देखिए वॉर प्रैक्टिस जो है, ये योग गैलेंट भी कह रहे थे कल कि जो हमें तैयारी करनी थी ईरान पर हमले के लिए वो तैयारी हमने पूरी कर ली है। अब देखिए इसराइल के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि पिछली बार जब 180 से ज्यादा मिसाइल्स जो ईरान ने फायर की, फतह 1 मिसाइल्स, तो अब ये उसके सामने इसराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था। तो अब एक बड़ी चुनौती इसराइल के लिए ये भी थी कि भाई ईरान पे हमला करना है तो उसका तुरंत जवाब ईरान से भी तो मिलेगा। बिल्कुल, तो ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स फायर हुए उसका बल्कि बताया ये जा रहा है कि ईरान ने भी बड़ी जबरदस्त तैयारी कर रखी है किसी भी तरह का इसराइल का हमला होता उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ऑब्वियस बात है, जब आप देखिए कि टेंशन इतनी ज्यादा है, इसराइल लगातार तैयारी कर रहा है, धमकियां दे रहा है, लगातार ये कह रहा है कि कभी भी कोई बड़ा हमला हो सकता है, तो ईरान तो ऐसे में चुप रहने वाला नहीं है। जबकि वो लगातार हिजबुल्ला, हुती, हमास सबको समर्थित करता है, तो जब उनके तमाम नेता मारे जा रहे हैं और ईरान ने दिखा भी दिया जिस तरह से एक साथ इतनी मिसाइलें उसने छोड़ी, उससे ये पता चलता है कि उसने भी पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए ऐसा सूत्रों से ऐसा बताया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह का इसराइल की तरफ से ईरान पे अब हमला होता है तो तुरंत बिना देर गवाए करीब 1000 मिसाइल्स, फतह 1 मिसाइल्स जो हैं वो ईरान ने डिप्लॉय कर रखी हैं और उसके तुरंत इसराइल पे हमला हो जाएगा। अच्छा। जो तस्वीरें हम पिछली बार देख रहे थे कि 180 मिसाइल्स जो फायर हुई बैलिस्टिक मिसाइल्स, इस तरह इस बार ऐसा बताया जाता है जिसकी चर्चा है सोशल मीडिया में, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बार 1000 मिसाइल्स ईरान ने तैयार रखी हैं जो कि बिना देर गवाए तुरंत फायर हो जाएंगी इसराइल। ऐसे में देखिए आयरन डोम हो या थर्ट हो, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल उठ रहे हैं। अगर ईरान की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल तो अगर छोड़ी जाती है तो फिर क्या होगा, क्या इसके लिए तैयारी है इसराइल इसका? हाँ, इसका आपका ये बिल्कुल वाजिब सवाल है और इसको लेके जबरदस्त चर्चाएं भी हैं कि अगर ईरान ने 1000 मिसाइल दाग दी तो क्या होगा उसका। देखिए ईरान की इसराइल की तरफ से जो तैयारी की गई है, आपके सवाल का जवाब, इन्होंने इसराइल ने पिछले हमले के बाद एक 4-लेयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिससे अगर ईरान के मिसाइल्स आती हैं तो उसे कैसे रोका जाएगा। अब इस डिफेंस सिस्टम में क्या क्या है आप देखिए, इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे एरो डिफेंस सिस्टम है जो कि इनका पहले से इनके पास था, एरो डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद डेविड स्लिंग सेकेंड राउंड का सिस्टम है जो कि किसी भी तरह के रॉकेट या मिसाइल्स को रोकता है। उसके बाद तीसरे लेवल पे जो है वो थर्ड, जो कि अमेरिका की तरफ से प्रोवाइड किया गया थर्ड सिस्टम भी अब सब जगह डिप्लॉय कर दिया गया है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने का काम करता है। और उसके बाद फिर आयरन डोम। देखिए पिछली बार जो है वो जो हमले ईरान से हुए उसने इसराइल को निश्चित रूप से बिल्कुल हिला के रख दिया था कि देखिए इतने आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह से फेल हुआ इसके आगे और मिसाइल्स गिरी जिसकी तस्वीरें सामने आई उसको डिनाई नहीं किया जा सकता था। तो उसके बाद बड़ी ये चिंता थी इसराइल के सामने और चुनौती थी कि भाई कैसे इसको रोका जाए। तो अब ये जो इतना समय लगा जो हम सोच रहे थे या जिस तरह की बातें हो रही थी कि देर क्यों हो रही है, ये डिफेंस सिस्टम एक अमेरिका की मदद से जो है इसराइल ने तैयार किया है 4-लेयर का डिफेंस सिस्टम। लेकिन ऐसा ही डिफेंस सिस्टम ईरान ने भी तैयार कर रखा है, खामेनेई का घर होए, चाहे वहाँ के न्यूक्लियर ठिकाने हो, नेवल बेस हो, एयर बेस हो ईरान के, ईरान ने भी पुख्ता तैयारी कर रखी है और रूस उसके साथ खड़ा है। देखिए ईरान के पास एक पंतशीर डिफेंस सिस्टम है जैसे आयरन डोम है उसी तरह का पंतशीर सिस्टम है, S-300 सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ईरान ने तैयार कर दिया। कहते हैं जिस तरह से थाट या फिर एयर डोम है उसी तरह से कहा ये जा रहा है कि ईरान के पास भी जो सिस्टम है वो भी बड़ा स्ट्रांग है और रूस की तरफ से मदद भी की गई है। S-400 भी हो सकता है कि दिया गया हो और कई जगह S-400 भी लगा दिया गया। तो ऐसे हालात में देखिए दोनों तरफ से जो है ना तैयारी बिल्कुल पूरी है और ऐसा लगता है कल के कुछ बयान सामने आने के बाद कि अब जो है हो सकता है अमेरिका के चुनाव का इंतजार ना किया जाए और नेतन्याहू कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और आपका जो न्यूक्लियर प्लांट वाली बात थी, देखिए ईरान के 5-6 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो कि बड़े क्रूशियल हैं। एक फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट है, अराक में न्यूक्लियर प्लांट है, नतांज है, इस्फहान है और बुशहर है। इस्फहान जो प्लांट है ये तो चीन की सहायता से चल रहा है और बुशहर जो है वो रशिया की सहायता से चल रहा है। तो देखिए रूस की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि इस पूरी लड़ाई में हम ईरान के साथ मजबूती से खड़े हैं और न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला नहीं होना चाहिए। ये रूस की तरफ से एकदम सीधा मैसेज है इसराइल को। ईरान की तैयारियां पूरी है कि अगर हमला होता है तो 1000 मिसाइल सीधा फायर होगी इसराइल के ऊपर। इसराइल की तैयारियां पूरी है
F-35 प्लेन्स तैयार हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार हैं, अब तो योव गैलेंट भी तैयार दिख रहे हैं और नेतन्याहू भी तैयार दिख रहे हैं। तो ये जो लंबा इंतजार था, ऐसा लगता है कि अब ये खत्म होने वाला है और एक बार फिर कोई भयानक तस्वीरें और खबर आने वाली है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि आज हमने बातचीत की कि किस तरह की तैयारी। देखिए, दोनों देश, अगर इसराइल की बात की जाए या ईरान की बात की जाए, युद्ध के मुहाने पर हैं, तैयारी दोनों की तरफ से है, बचाव भी दोनों की तरफ से किया गया है, लेकिन पहल किसकी तरफ से होगा इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।